है? जी बिल्कुल, तैयारी तो करना चाहता हूँ लेकिन हम अपने नाजरीन को अपडेट करते चले। रमजानुल बार की आमद से कबल ही सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। रेट लिस्ट हुकूमत की मर्जी और कीमत ताजर की मर्जी की। कीमतों में इजाफा और मंडी का अहवाल जानते हैं अब्दुल मनान गिलानी की इस रिपोर्ट में। गरीब आवाम को अरबों रुपए की ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज या मेट्रो बसों से ज्यादा सस्ती खुराक, सस्ती बिजली और सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए। अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब शहरियों के चूल्हे ठंडे करने शुरू कर दिए हैं। रही सही कसर दुकानदारों ने मर्जी के रेट लगाकर पूरी कर दी है। कौम को ये नहीं चाहिए कि नवाज शरीफ आए, जरदारी साहब आए, इमरान खान आए, वो हमें तो पेट में रोटी पर डालने वाला कोई आए ना, वो रोटी किधर है? ये ट्रेन ट्रेन पर वही चढ़ेगा जिसकी जेब में पैसे होंगे। पैसे नहीं होंगे तो ट्रेन क्या करेगी? पैसे नहीं होंगे तो मेट्रो क्या करेगी? वो 20 रुपए जिसके पास नहीं है वो कैसे सफर करेगा? तो चूल्हे में आग नहीं जलती, रोटी बच्चे तड़प रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, और रोटी का मसला है ही नहीं। हर मुल्क के अंदर सबसे पहले रोटी देखी जाती है, जो हर बंदे की जरूरत। गरीब आवाम ओपन मार्केट की निस्बत सस्ते दामों सब्जियाँ और फल खरीदने की नीयत से मंडी का रुख करते हैं लेकिन वहाँ भी कीमतें आवाम की पहुँच से बाहर है। नींबू बहुत महंगे हैं, प्याज लहसुन भी बहुत महंगा हुआ है। हालांकि इतना होना चाहिए कि हम 120 रुपए किलो प्याज वो दे रहे हैं, लहसुन दे रहे हैं, हैं टमाटर भी जो हैं वो भी ऐसे दे रहे हैं 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, जरा साफ सुथरे जो हैं वो 50 भी दे रहे हैं। मंडियों की ताजर एसोसिएशन भी अरबाब इख्तियार की जानिब से अपनी शिकायत को दूर करने के मुंतजिर हैं। मंडियों में जगह जगह गंदगी के ढेर और मार्केट कमेटी की मुजरमाना खामोशी का खमियाजा अवाम और ताजरों को भुगतना पड़ रहा है। सफाई सुथराई की अगर बात की जाए तो हमारे सब्जी मंडी बदामी बाग के सफाई सुथराई के इंतजाम आपने खुद ही अपनी आंखों से देखे। आपकी कैमरा की आंख आपको दिखा रही होगी, नाजरीन को भी दिखा रही होगी कि हमारे सब्जी मंडी के क्या हालातों वाकियात हैं। और अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो है इंप्लीमेंट करवाना जो है मार्केट कमेटी का काम है, LWMC का काम है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ पर संजीदा नहीं है। और वो आवाम को मैं समझता हूँ कि आवाम को ये खुद चाहती है कि आवाम बीमार हो, मुजरे सेहत सब्जियात खाएँ और इतनी गलाजत वाली सब्जियात खाएं। मेरा ख्याल है कि वो खुद ये चाहते हैं, तो बहरहाल ये करना चाहिए क्योंकि सफाई जो है सफाई निस्फ ईमान भी है। सूरज के तेवर बदलते ही मशरूबात की मांग में इजाफा हुआ तो लीमू मार्केट में आंखें दिखाने लगे। गर्मियों में इफ्तारी के दस्तरखान की जीनत कंजबीन भी अवाम उन्नास की पहुँच से दूर ही नजर आने लगी। देखिए जी, लींबू के शॉर्ट होने की वजह यह है कि हमारी जो लोकल क्रॉप है ना वो बिल्कुल नहीं है। अभी मार्केट में जो है वो एक गाड़ी पहुंच रही है लेकिन अभी जो खपत है वो 10 गाड़ी की खपत है। लेकिन अगर इसी तरह इसका चलता रहा तो रमज़ान में इसकी गाड़ी तकरीबन लींबू की जो खपत है वो 20 गाड़ी पे पहुँच जाएगी। लेकिन हमारे पास ये 2-3 गाड़ियाँ ही हैं अभी, लेकिन DC साहब से मीटिंग चल रही है कि हम किसी मुल्क से इसको इंपोर्ट कर लें ताकि इसका जो है ना नींबू का बहरान जो है कम हो जाए। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे की एक वजह तलब और रसद में आदम तवाजन भी है। आम दिनों की निस्बत माह रमजान में अशिया खुर्दोनोश की तलब ज्यादा बढ़ जाती है मगर ताहाल अरबाब इख्तियार कोई मंसूबा वाजे नहीं कर पाए। सब्जी जो है वो तो जहीरा हो ही नहीं सकती, कोई चीज़ जहीरा होने वाली चीज़ है ही नहीं। ये सारी पैराशिबल आइटम है, इसको तो रात को ख़त्म होना ही हो, बेचना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए, तो कोई स्टोर होने वाली बात नहीं है। ज़हीरा अंदोजी सिर्फ आलू एक है जो ज़हीरा होता है, उसके अलावा कोई चीज़ जो है वो ज़हीरा होती नहीं है। बस मैंने आपको जो बताया कि स्टार्ट में रमज़ान मुबारक में स्टार्ट में जिसको 1 किलो की ज़रूरत है वो 6 किलो ले जाता है, 10 किलो ले जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा पहला वीक जो है वो थोड़ा सा होती है शॉर्टेज, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। रमज़ान की आमद से कबल मुनाफा खोरों ने इस माह की बरकतें लूटने की बजाय अवाम को लूटने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। अब इस बार लीमू नहीं अवाम का खून निचोड़ा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ अब्दुल मनान गिलानी, लाहौर रंग, सब्जी मंडी, बदामी बाग।